हेलो हेलो। हाँ भाई, आपका फोन आया था ना। हाँ हाँ बताइए। हाँ, आप किधर से बोल रहे हैं? यूपी यूपी किधर? लखनऊ आलमबाग कहाँ आलमबाग तो जीगोल कम और लखनऊ में नहीं होते है। होते हैं? ये ऑलरेडी आपको मुंबई में या दिल्ली में मिलेगा। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कितने एप्स है आपके बॉडी में? क्या है, कितने अरे एप्स कितने बनाए हैं? ऐप जरूरी है क्या? तो जरूरी रहेगा ना, तो तो ऐप्स तो अभी नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ा ऐप्स बनाओ तो बाद में मिलो। हाँ, पहले ऐप्स बनाना पड़ेगा क्या इसके लिए? इसके लिए ऐप्स बनाओ। और हमारी एजेंसी, हमारी जो एजेंसी है ना, तो जी आपको ऐसे भी मिलेगा। हमारी एजेंसी में फुल नाइट जैसे आप करेंगे वैसे पैसा मिलती है। इसके लिए हमारे एजेंसी को पैसा देना पड़ता है, आपको मालूम नहीं होगा। इसके लिए पैसा देना पड़ेगा पहले? हाँ वहाँ पे एजेंसी होता है, उसके पहले आपको बॉडी बनाओ, ऐसे बनाओ, तब कार्ड निकालो, तब आओ। अच्छा, ऐसे कोई जिगलो उसके नहीं बन जाता है। हाँ, पास ऐसे कोई जिगलो नहीं बन जाता है। हाँ, अच्छा, तो वही प्रोसीजर हम जानना चाहते थे कि क्या क्या उसमें जरूरी है। तो आप हेलो, उसमें आप डालेंगे यूट्यूब पे, जब वो प्रोसीजर पूरा बता देगा वो। हाँ, यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे बोलेंगे तो उसमें आपको पूरा प्रोसीजर निकल जाएगा। तो यूट्यूब पे कोई प्रोफेशनल आदमी तो बताता नहीं है, कोई भी यूट्यूब पे चैनल बना के बता सकता है। नहीं, वैसे कोई नहीं बताएगा। ये दिल्ली तो ही जगह, ये दो ही जगह काम होता है, अपना मुंबई एक दो दिल्ली में। अच्छा, तो ऑफिस आप लोग का कहाँ है, वहाँ मिल सकते हैं हम जाके? अच्छा, अरे हम मुंबई में रहते हैं, हमारा कारोबार मुंबई में ही। इसका जैसे तो ये इसके पैसे वैसे कितने मिलते हैं? जैसे आपको लोग 15,000, 20,000, 8,000, 10,000 फुल नाइट डे, वन डे, 1 घंटा, कितने दिन इतना आप पैसा करेंगे? एक दिन हाँ, का मिलता है पर डे, पर डे इतना पैसा? पर वन डे। हाँ, बाप रे बाप। अच्छा, ये बताइए, इसमें हेलो। कोई जान वान का खतरा तो नहीं है? हाँ, इसमें कोई जिसे जान इसमें वान? कोई हाँ, बिजनेस जान का खतरा नहीं होता, इसमें केवल एक बिजनेस है, लेकिन है। लोग कहते हैं कि उसमें जाने के बाद आदमी फंस जाता है तमाम तरीके अरे की। कोई कुछ सस्ता नहीं है, आदमी का बोलने का तरीका अलग है। अभी आप लखनऊ में, या लखनऊ में सब प्रोसीजर नहीं होते, वहां पर आदमी क्या मालूम है। हाँ, नहीं कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि हमारे दोस्त करते हैं, ये है वो है करके नहीं नहीं बताते। वो रॉन्ग बताते हैं आपको। अच्छा तो अधिक जानकारी करने के तो आप मुंबई आ जाओ। हाँ, अच्छा मुंबई आ जाए। अच्छा, ये बताइए, शुरुआत में पैसा भी देना पड़ता है क्या हम लोगों को? जो हमारी एजेंसी होते है ना, उस हाँ एजेंसी में पैसा जमा आपको होता है, फोटो जमा होता है, आपका आईडी जमा होता है। हाँ, अच्छा, तो ये पता चल जाए कितने पैसा जमा होता है, पूरा कितने? मिला के आपका पूरा खर्चा वो 5,000 तक बढ़ाना पड़ेगा। शुरुआत में तो पांच भी हजार आपका हेलो, हाँ उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा भी भर सकते हो। ये नहीं, 2,000 भी जमा कर, तो फिर 5,500 भी जमा करो ना आप। अच्छा, मतलब इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? हाँ, इसमें क्या, अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो 5,000 रुपया हमारा डूब जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ये सब काम नहीं है। ये जिगोलो मार्केट है। हाँ, नहीं, मार्केट तो है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहें कि देखो जिगलो मार्केट में 100 में 98% लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी तरीके से पैसा ले लेते हैं, होता कुछ नहीं है, 2% ही नहीं लोग नहीं सही होते हैं। नहीं तो नहीं 2%, हेलो, हाँ ये 2% की बात नहीं है। तो आप एजेंसी से नहीं जाएंगे ना, और वो लोग मतलब आप क्या समझते हो बताओ। नहीं, यही प्ले बॉय वगैरह। हाँ वही प्ले बॉय, एंजॉय बॉय, जो आप समझे। हाँ और उसके लिए आप जैसे आप आएंगे, आपके हाथ में लाल पट्टी बांधा रहेगा, आपको हाँ लेडीज, हाई फाई लेडीज आएगी, ले जाएगी तुमको 15,000, 10,000, 15,000 सेट करेगी। उसके बोले आपको एजेंसी से बात करना पड़ेगा, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। वाह, औरत बाद में कल तुमको कुछ होएगा तो एजेंसी पैसा भर के देगी ना तुमको। हाँ, पैसा देगी, एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी, हाँ, वही बात होता है लेकिन ना। जो लड़की आएगी लेके जाएगी तो एजेंसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की आई लेके गई? वो भी रजिस्टर्ड रहते हैं क्या? अच्छा, वो एक ऐप होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक एरिया बाई एरिया का। वो ऐप पे ऑर्डर देंगे कि यहाँ से लड़के भेजिए आप? नहीं 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 हाँ ऐप नहीं होता है, हाँ ऐप से, ऐप से। हाँ, अच्छा, ऐप्स। और आप जब आओ, जो जिस एरिया में लेंगे ना, उस एरिया का दलाल वहां पर खड़ा रहेगा खुद आपसे पहले ही। अच्छा। हाँ, तो ये हाइट हाइट वाइट का कोई मसला है और फेस उस का? अरे हाइट भी हो, देखो आपको यूजर कब मिलेगा, वन डे के फुल नाइट के लिए आपको मिलेगा, बट उसके लिए आपका थोड़ा हाइट बोले तो 169 होना चाहिए।
171 होना चाहिए, तो बोले तो थोड़ा अच्छा हो रहा है, स्मार्ट ही दिखने बनते हैं ना अभी, आप काले का लूटे भी हो चलेगा, तो आपका फिटनेस बना रहना चाहिए। अच्छा अच्छा फिटनेस ज्यादा जरूरी है। हाँ अच्छा अच्छा ओके ठीक है। मुंबई में कहाँ आना पड़ेगा हम लोग को? अरे आप मुंबई में बांद्रा आ जाओ, ये सब काम बांद्रा होता है, जुहू बीच होता है। तो आपका एजेंसी, आपका एजेंसी का नाम जिससे संपर्क करने के लिए, कैसे हम संपर्क करेंगे? अरे है ना अपना घाट के ऊपर वेस्ट में जाओगे ना वही आपको मिल जाएगा। तो एजेंसी का नाम बताएंगे? जिगोलो है, तो लिखा रहेगा जिगोलो। जिगोलो के नाम से ही रजिस्टर्ड है? हाँ ये जिगोलो के नाम पे ना, जो लाइसेंस है ना उसको कोई कुछ रोक नहीं सकते, हमारे पास लाइसेंस है। लाइसेंस तो है तो मालूम है, लेकिन कई लोग इस तरह की एजेंसियां चलाते होंगे। नहीं नहीं ऐसे कोई चलाएगा, आप वहाँ जाएंगे आपके पास, यार तुम पढ़े लिखे हो ना यार? हाँ तब कितने पढ़ाई की हो? ग्रेजुएशन कर चुके हैं या बीएससी है कि एमएससी है? बीएससी बैचलर ऑफ साइंस हो जी। तब यार तुम बीएससी करके यार तुम लोग चूतिया कौन बनाएगा? चूतिया बनाने की बात नहीं है। जैसे एजेंसी मान लीजिए हम वहाँ जाएंगे तो किसी भी एजेंसी में कैसे चले जाएंगे? हर लोग जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, तो अपना अलग अलग कराते हैं। हेलो जी, आप ऐसे नहीं चले जाएंगे, उसके लिए आपको ना जैसे अब हमारे पास नंबर लगा है, आप हम पे संपर्क किए, हम भी आपके ही जैसे हैं, हम भी आपके ही जैसे जैसे बेरोजगार लड़के लोग होते हैं ना, उन लोगों को रोजगार देने के लिए मैं अपना नंबर डाला है जीगोलो मार्केट में। अच्छा आपको किधर नंबर मेरा किधर मिला? वो किसी वही वीडियो देख रहे थे जीगोलो वाला, उसी में कमेंट में था। हाँ मैं कमेंट में डाला था अपना नंबर। अच्छा तो जैसे पहले अपना शरीर बनाओ, ऐप बनाओ, उसके लिए ऐप सुनो जिससे आपका ऐप अच्छा है, तो आपको वन नाइट का 25,000 मिल जाएगा। इतने पैसे एक दिन के? पर डे यार, ये देखो अभी तुमको यार मैं क्या बोलेगा, अभी ये इंजॉय का टाइम है, अभी आपको भी हाई फाई औरत लोग मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगा। तो हाई फाई जो घर के लड़के रहते हैं ना, जैसे आदमी ऐसे है वैसे है, वो लोग आते हैं, अरे इसका एक पद चलता है पब। अच्छा अगर हम सब कुछ बना होना के आए तो ये कोई जरूरी है कि काम मिल ही जाएगा? ये काम हम नहीं दिलाएंगे, आपको खुद मिलेगा। अच्छा हमें खड़ा रहना पड़ेगा, लोग आके लेके जाएंगे? हाँ खुद ही आएगा, एजेंसी वाला खुद ही आएगा, बस हो गया। अच्छा बहुत लोग है काम कर रहे हैं हमारे यूपी में, सुना इलाहाबाद है कोई? हाँ इलाहाबाद है। अरे हम तो उधर ही हैं। कहाँ के? तो इधर कोई इलाहाबाद का कोई ऐसे लड़का था, फोन लगा उसको, जो अभी वो काम कर रहे हैं। अच्छा इलाहाबाद का, आपका यूपी के ही है क्या? नहीं नहीं यूपी के नहीं है, मैं सौराष्ट्र का। अच्छा सौराष्ट्र, गुजरात? सौराष्ट्र नहीं जानती आप? गुजरात के आसपास पड़ता है ना, उत्तराखंड के बगल में। अच्छा अच्छा हाँ विदर्भ सौराष्ट्र। हाँ हाँ अच्छा अच्छा सौराष्ट्र उधर ही है। तो ऐसा भी होता होगा कभी कभार काम भी नहीं मिलता होगा? नहीं नहीं आपको पर डे मिलेगा, आप खुद नहीं कर पाएंगे, जितना काम मिलेगा ना आप खुद नहीं कर पाओगे। अच्छा खुद भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये होता है स्ट्रेस करने के लिए क्षमता होती है कि एक राउंड दो राउंड के बाद आदमी नहीं कर पाता, तो इसमें भी कोई पाबंदी है कि नहीं पूरा रात करना ही पड़ेगा? नहीं आपको 25,000 काहे के दे दिए, संतुष्ट करने के लिए देगी ना वो। अरे तो आदमी की भी एक क्षमता है कि दो तीन राउंड के बाद चल नहीं पाता, तो आदमी क्षमता के हिसाब से पैसा मिलेगा ना उसको। अच्छा तो पेमेंट पहले नहीं होगा, पेमेंट वहाँ सब कुछ होने के बाद मिलेगा? वो पेमेंट वो औरत खुद कर देगी। पेमेंट काम करने के बाद मिलेगा पहले मिल जाएगा आपको? पहले मिलेगा, पहले मिल जाएगा। मान लीजिए संतुष्ट ना हुई तो एक एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ से ही है, तो वो करने पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए वो हमारे जैसी कोई जिम्मेदारी नहीं लगी उसके लिए फिर आपको। अच्छा इधर तो करना ही पड़ेगा, और नहीं कर पाए तो उसका पैसा रिटर्न कर दे बस। अच्छा पैसा रिटर्न कर दे? हाँ वो पैसा, यहाँ पे मार्केट जो है ना ये लीगल काम है, अनलीगल काम नहीं है। अच्छा अच्छा जो काम होता है लीगल होते हैं। अच्छा ये क्या जो प्रोटेक्शन लगा सकते हैं ना कि विदाउट प्रोटेक्शन ही करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन क्या? ओके कंडोम? नहीं नहीं वो तो हिसाब से रहेगा ना, आप आपके चॉइस के ऊपर रहेगा ना। नहीं ऐसा नहीं कि लड़की कहे कि नहीं भाई नहीं लगा के करना है ऐसा कुछ, मान लीजिए एचआईवी का भी मामला पड़ जाता है ना। नहीं 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 उसके लिए सब आपको लगाने तो पड़ेगा ही। हाँ लगाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, थोड़ा भी मैं बिजी है, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है। जी जी तो मैं भी अभी बिजी रहेगा, कल कल मेरे पास टाइम मिलेगा भाई बात करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले पहले अपना बॉडी वॉडी बनाओ यार पहले। मैं बॉडी वॉडी तो सब ठीक है, कुछ ज़्यादा खराब नहीं है।
फिटनेस बनाओ, फिटनेस लंबाई कितना है? लंबाई मेरा 5 फुट 7 इंच के आसपास है। कितने सेंटीमीटर का तो नहीं मालूम है, 5 फुट 7 इंच के आसपास है, 7 इंच 8 इंच। 5 6 8 इंच 5 फुट 7 8 इंच के आसपास है हाइट। तो ठीक है करते रहो, बम्बई आओ। बम्बई आयोगे नहीं, बम्बई तो पनवेल वगैरह गए थे। पनवेल तो बगल में ही 40 मिनट रास्ता है मुंबई। हाँ लेकिन गए थे, अभी नए नए थे इसलिए वहाँ ज्यादा कुछ, मान लीजिए अगर नए नए जाए तो तमाम लोग डर कर लगाते हैं, ऐसा है वैसा है, यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, इसकी वजह से अपने पढ़े लिखे हुए अनपढ़ आदमी डरते हैं। नहीं अनपढ़ आदमी तो डरते हैं बात ठीक है, पढ़े लिखे हैं। मान लीजिए कहीं 5 आदमी आपको घेर ले तो पढ़ा लिखा आदमी वहाँ क्या कर लेगा ये बताइए? उस टाइम दिमाग लगाने का ना, दिमाग हमेशा नहीं लगता ना, दिक्कत तो ये है। उस टाइम दिमाग लगाओ, तुम इधर आओगे तुम्हारा भी बाउंसर लोग से दोस्ती होएगा, 50 बुलाओगे ना। अच्छा ये बाउंसर वाला भी जब मिल जाता है क्या आराम से? हाँ वो तो तुरंत मिल जाएगा आपको, बाउंसर भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर, क्योंकि हमारा एक दोस्त है वो भी करना चाहता है, 2-3 लोग आओ मुंबई उसके लिए मैं अभी जा रहे हो। हेलो जैसे आप इस महीने तक आ जाएंगे तो मैं मिल जाएगा, मैं अभी साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं जी, अभी इसके जनवरी 1st वीक में मैं साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं, 8-9 लड़के उन्हें जानेंगे ना मुझे वहाँ पे। तो क्या वहाँ पे भी काम चलता है क्या? हाँ वहाँ तो फ्री है। अच्छा अच्छा हाँ वहाँ डॉलर मिलते हैं, इधर इंडियन में वो डॉलर मिलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम लोग फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद से आपसे हम लोग संपर्क करते हैं। हाँ काम करते रहो, मैं जनवरी अप्रैल मई में आएगा तो बात करेंगे। ठीक है सर, ओके धन्यवाद सर, थैंक यू।